नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सीए हरजीत सिंह आपका एचएस इन्वेस्टोलॉजी जो कि आपका अपना चैनल है उस पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएस इन्वेस्टोलॉजी के इन्वेस्टोलॉजी में आज हम चर्चा करेंगे आईपीओ की। आईपीओ के अंदर हम दो चीजें देखेंगे इस वीडियो के अंदर। पहला, हम ये देखेंगे कि आईपीओ में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और दूसरा, जो कि एक नया आईपीओ आने वाला है मंडे को कैम्प्स का, उसके बारे में चर्चा करेंगे सेकंड सेगमेंट में कि क्या हमें उसमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है या नहीं दिखती है। इन सात चीज़ों को जो कि मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ लर्निंग वाले सेगमेंट में, देन हम अर्निंग सेगमेंट में कैंप्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आईपीओ में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि आईपीओ में हम दो तरीके का गेन देखते हैं। एक तो लिस्टिंग गेन देखते हैं कि कंपनी अगर मान लीजिए 100 रुपये पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो वो लिस्टिंग 200 रुपये पर होता है या 150 पर होता है, तो उस लिस्टिंग गेन की वजह से हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड, हमारा पर्सपेक्टिव होता है कि हम उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचें कि हम कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो दो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं कंपनी के में आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लर्निंग सेगमेंट। देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी कंपनी की बैकग्राउंड जाननी है। बैकग्राउंड कब वो फॉर्म हुई, किसने वो फॉर्म की और क्या ऑब्जेक्टिव्स थे उसके फॉर्म करने के, और कंपनी ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया एज ऑन डेट तक जब से कि वो कंपनी बनी। तो ये एक बैकग्राउंड हो जाती है। कंपनी के बारे में आप अच्छे से जान जाते हैं, जैसे किसी के साथ पर्सनल लाइफ में आप शादी करने जा रहे हैं तो सारी बैकग्राउंड जानते हैं, उसी तरीके से कंपनी के साथ भी आप शादी करने जा रहे हैं तो आप उसके बैकग्राउंड को अच्छे से जान लें। सबसे पहला जो बेसिक रूल है। सेकेंड है कि प्रमोटर्स कि किन्होंने वो कंपनी फॉर्म की, तो उसके प्रमोटर्स के बारे में भी हमें जानना चाहिए कि वो प्रमोटर्स कभी कोई स्कैम में तो नहीं फंसे या कोई फ्रॉड तो नहीं किया, इस तरीके की चीज़ें। क्या वो कितने एजुकेटेड हैं, कहाँ पर उन्होंने किन किन कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं, इस तरीके की चीज़ें आप प्रमोटर्स के थ्रू जान सकते हैं कि प्रमोटर्स का कहाँ कहाँ पर स्टेक है। ये भी एक जानने वाला पॉइंट है। थर्ड वन जो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उस कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। कार की मैन्युफैक्चरिंग करती है, आईटी की सर्विस देती है, रिटेल की सर्विस देती है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना है जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कितनी ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स हैं। फोर्थ वन है रीज़न फॉर आईपीओ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीज़न क्यों आ रही है आईपीओ लेकर, क्यों आईपीओ की इसे ज़रूरत पड़ी। दो चीज़ें होती हैं आईपीओ के लिए। पहला कि एक तो डेट्स को वो कम करते हैं, अपने थ्रू पब्लिक इशू पैसा आ जाता है तो अपने जो डेट्स हैं उनके उनको ख़त्म कर देते हैं एक तरीके से, जो डेट फ्री कंपनी बनाने के लिए। दूसरा, एक्सपेंशन का प्लान होता है कि कंपनी अभी छोटे एरिया में छोटा ज्योग्राफिकल एरिया कवर किया हुआ है, कस्टमर बेस कम किया हुआ है, वो उसको एक्सपेंड करना चाहती है तो उसको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो उसको पैसे की ज़रूरत है। वो लोन ना लेकर पब्लिक के पास जाती है और अपने जो शेयर्स हैं उनको प्रीमियम पर सेल करती है और उसके बाद उस पैसे को अपने एक्सपेंशन प्लान में ऐड करती है। तो रीज़न आपको ज़रूर जानना है आईपीओ का। फिफ्थ वन है पीयर्स। कोई अगर पहले से उस सेगमेंट की कंपनी लिस्टेड है तो उसको, उसका जब आईपीओ आया था उसमें क्या क्या सेगमेंट, मतलब क्या क्या चीज़ें हुई थी, कितना लिस्टिंग गेन हुआ था, कितना उसने ग्रोथ किया, क्या वो कंपनी कमा रही है, उसके पीयर्स क्या कमा रहे हैं, तो सारा कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए आपको उसके पीयर्स भी देखने हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है। सिक्स्थ वन है ग्रोथ, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। आप पहले हिस्टोरिकल ग्रोथ देखें और फ्यूचर की ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स भी आपको देखने जरूरी हैं। रिवेन्यू हो या प्रॉफिट हो, एबिटा हो, इन सब में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स या कस्टमर बेस हो कि कंपनी कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कितना ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स उसके नज़र आ रहे हैं। सेवन्थ, इन सब का निचोड़ स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ये आपको जरूर करनी है। ये वाला जो सेगमेंट है ये आपको ये बता देगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। आप 10% करना चाहते हैं अपनी कैपिटल का, 20% करना चाहते हैं,
वो आपको शॉर्ट के थ्रू होगा। तो सेवंथ नंबर पर आप शॉर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इन सब का निचोड़ है। तो आईपीओ में हम इन सात चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अब इन सात चीजों को जानने के बाद लर्निंग सेगमेंट में अब चलते हैं अपने अर्निंग सेगमेंट की तरफ, जो कि कैंप्स के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, जिसका कल आईपीओ मंडे को लॉन्च होने वाला है। तो कैंप्स कंपनी के बारे में जानते हैं और इन सात चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई कर देखते हैं कि क्या उसमें कोई हमारे लिए अर्निंग की अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी है। तो आइए सेकेंड सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आइए अपने सेकेंड सेगमेंट अर्निंग के जो कंसेप्ट है कि लर्न करने के बाद अर्निंग कैसे करनी है। एक नया आईपीओ आया है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड का। तो आईपीओ नया, क्या उसमें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है? तो अब हम सेकेंड सेगमेंट में ये जानने की कोशिश करेंगे। बैकग्राउंड में कंपनी जो फॉर्म की गई थी 1988 में की गई थी वी शंकर द्वारा, जो चेन्नई बेस्ड कंपनी है। और जो इनका बेसिक कंसेप्ट था उस समय 1988 में, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंप्यूटर की एजुकेशन देने का था, जैसे कि NIIT में आप लोग डिप्लोमा वगैरह मिलता है, तो उस तरीके का एक सेगमेंट लेकर आए थे, क्योंकि कंप्यूटर का इंडिया में इंट्रोडक्शन एक तरीके से उस समय चल रहा था। इनका जो बेसिक सेगमेंट था वो कंप्यूटर एजुकेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो द टाइम इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर ने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया 1997 से 2007 तक। तो कैंप्स ने डिसाइड किया कि अब हम आईटी सेक्टर की जो एनेबल्ड सर्विसेज हैं, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हैं, उनको प्रोवाइड करेंगे और स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर को प्रोवाइड करेंगे। तो उन्होंने आईटी एनेबल्ड एंड नेटवर्किंग सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट किया और उन्होंने फिर फाइनेंशियल बिजनेस के मॉडल के प्लेटफॉर्म्स बनाए यहाँ पर, और वो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया अपना प्रॉपरली इनटू फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सर्विस जो इनके प्रोडक्ट से उनके थ्रू। देन इन 2000 में HDFC जो ग्रुप है उसने इन्वेस्ट किया कैंप्स के अंदर। 2007 में एक जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे, उन्होंने इन्वेस्ट किया। 2014 में जो एक इवेंट हुआ NSC ने इन्वेस्ट किया। बहुत सारे IPOs को हैंडल किया, जो कि आज उसका IPO आ रहा है। तो उसने कैंप्स ने जो सर्विस अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था उसमें बहुत सारे लाइक IPCA लैब्स लेबोरेटरी, और आज की डेट में उनके पास 7000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं, 270 से ज़्यादा लोकेशन पर तरीके से नेटवर्क सेटअप है ऑलरेडी। तो ये अभी तक का बैकग्राउंड है कंपनी का। सेकंड सेगमेंट की बात करें तो प्रमोटर्स ओनर्स कौन है एज ऑन डेट NSC के पास 37.4% के शेयर्स हैं, HDFC के पास शेयर हैं, वारबर्ग पिनकस प्राइवेट इक्विटी फर्म है रेपुटेड उसके पास हैं, फियरिंग कैप प्राइवेट इक्विटी फर्म है इसके पास इसके शेयर्स हैं, एक्सिस करके एक प्राइवेट इक्विटी है ये इसके पास इसके शेयर्स हैं। तो ये इसके एक्चुअली इस समय ओनर्स हैं, जो प्रमोटर्स थे जिन्होंने कंपनी फॉर्म की थी वो एक तरीके से अपना स्टेक सेल करके इन पांच मेन कंपनीज के पास शेयर्स हैं इसके। थर्ड वन है अपना प्रोडक्ट्स की बात करें तो इंडियाज लार्जेस्ट RTA है म्यूचुअल फंड सेगमेंट का, और 70% बिजनेस को कैप्चर करता है आउट ऑफ टोटल बिजनेस। टॉप 4 out of 5 क्लाइंट्स म्यूचुअल फंड्स के कंपनी के पास हैं। इंश्योरेंस रिपोजिटरी बिजनेस में भी कंपनी है, और एक नया सेगमेंट KYC रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसने अब स्टार्ट किया हुआ है। म्यूचुअल फंड बिजनेस से इसका रेवेन्यू जो आता है 86.9% आता है, कस्टमर केयर से 8.94% के आसपास सेगमेंट। तो ये इसके बिजनेस सर्विसेज हैं जो ये मेनली फाइनेंशियल सर्विस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंप्यूटर एनेबल्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ रीज़न क्या है कंपनी का IPO लाने का? इसका रीज़न ना तो डेट्स को कम करना है ना ग्रोथ को। तो जो इसका रीज़न है, SEBI का एक ऑर्डर है जिसमें उन्होंने बोला कि NSE को इसके अंदर अपना जो स्टेक है वो ख़त्म करना पड़ेगा, अपना डाइवेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उस वजह से जो 37.4% NSE वाला जो स्टेक होल्डिंग है वो सारी की सारी पब्लिक को IPO के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एक इसका रीज़न है, बाकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन मेन रीज़न जो है NSE का डाइवेस्टमेंट है। पीयर्स की बात करें तो कंपनी का कोई लिस्टेड पीयर्स नहीं है। नियर टू लिस्ट अगर हम बात करें तो CDSL है,
जो कि हमारा एक तरीके से डिपॉजिटरी है, सेंट्रल डिपॉजिटरी, जिसमें डीमैट अकाउंट हम खोलते हैं। वहाँ पर वो अपने जो डीमैटलाइज फॉर्म में हमारे शेयर्स होते हैं उनको रखता है। तो उस तरीके का एक सेगमेंट CDSL की बात कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बिल्कुल पीयर की बात करें तो कोई भी लिस्टेड पीयर नहीं है कंपैरिजन के लिए। 6 नंबर पर बात करें ग्रोथ की, जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। ग्रोथ के अंदर मैंने यहाँ पर 5 ईयर्स के अपने फाइनेंशियल्स लिए हैं कि हिस्टोरिकल ग्रोथ क्या, कि कंपनी का 2016 में जो रेवेन्यू था 391 करोड़ था, आज 721 करोड़ है। कंपनी ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की 2018 तक 650 के आसपास, लेकिन 19 और 20 में सेगमेंट थोड़ा स्क्वीज हो गया, यहाँ पर म्यूटेड ग्रोथ रही है। रीज़न इसका यही है कि इकोनॉमी ने अपनी ग्रोथ नहीं की है और फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी दबाव में आ गया था और अभी भी चल रहा है। तो एबिटा जो था 143 करोड़ का था, अभी भी 309 करोड़ का, उतनी ग्रोथ नहीं की है। पैट 84 करोड़, 173 करोड़, तो पैट में अच्छी डबल की ग्रोथ है 5 साल के अंदर। EPS 17 रुपये था, 35 रुपये, बीच में 22, 33, फिर 26, फिर 35, तो इस तरीके से थोड़ी अगर हम बात करें तो एक तरीके से इक्वलाइज ग्रोथ नहीं है, कभी डिप्स एंड अप्स आए हैं, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स में ज़्यादा ग्रोथ कंपनी की नहीं हुई है। ये एक आपको देखने वाला यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में, जो आप ये एरिया ज़रूर देखें कि 711 से 721 करोड़ की ही ग्रोथ अभी कंपनी ने की है लास्ट 2 ईयर्स में। लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अगर हम फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो इनका एक सेगमेंट B2C की तरफ ये मुड़ रहे हैं। अभी ये B2B पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, तो B2C सेगमेंट में हो सकता है कि ये एक अच्छा ग्रोथ आगे की तरफ कर लें। अब जो हम इसकी बात करते हैं कि ये जो 6 चीज़ें हमने अपसाइड में देखी हैं, जो ऊपर पढ़ी हैं हमने, उसका शॉर्ट एनालिसिस कि कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी हम क्या हैं, और उसके बाद हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है। तो अब हमारा लास्ट सेगमेंट है कि कैंप्स में हमें क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि शॉर्ट के बेसिस पर ही हम अपना कंक्लूजन ले सकते हैं। तो स्ट्रेंथ कंपनी की क्या है, लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो सर्विस प्रोवाइडर है म्यूचुअल फंड, जो कि एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है उसके अंदर, ये इसकी स्ट्रेंथ है और अकेला 70% को कैप्चर करता है। वीकनेस हाईली डिपेंड है, जो इसकी स्ट्रेंथ है वही इसकी वीकनेस है, कि एक सेगमेंट पे आप 89.6% डिपेंड हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो आप की जो रिवेन्यू है वो एकदम से डिप हो जाएगा, तो ये एक वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो B2C सेगमेंट की तरफ थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कंपनी का, और जो कि एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कंपनी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। ग्रोइंग फाइनेंशियल सेक्टर है, अभी जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है इंडिया का, उसमें ज़्यादा पेनिट्रेशन हुआ नहीं है। अर्बन एरियाज में भी कंप्लीटली हमने सभी फैमिलीज को कवर नहीं किया है म्यूचुअल फंड से, या इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो अभी विलेजेस में भी जो कंट्री साइड रीजन है उसके अंदर भी जाना बाकी है म्यूचुअल फंड्स को। तो ग्रोथ तो काफ़ी है, फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, लेकिन थोड़े से शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ा सा एक तरीके से पॉज आया हुआ है। थ्रेट की बात करें तो IT सेक्टर देखिए अपने आप में एक बहुत डायनेमिक है, जिसमें जिस सेगमेंट में एक कंपनी है। IT सेक्टर की जो चीज़ें आप 2 साल पहले देखते थे वो आज ख़त्म हो गई हैं, तो आपको कीप चेंजिंग रखना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा आपको। अभी क्या है कि जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रही है, अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो ये एक थ्रेट है कंपनी के लिए कि आप कितना अपडेटेड रहते हो। तो मैंने आपके सामने चारों चीज़ें शॉर्ट एनालिसिस के थ्रू बताई, और अब बात कर लेते हैं कि इशू साइज क्या है कंपनी का और प्राइस क्या है। देखिए जो NSE के पास स्टेक है 37.4% का, उसी को कंपनी डाइवेस्ट कर रही है थ्रू पब्लिक इशू। 1,82,46,600 शेयर्स हैं जो पब्लिक को दिए जाएंगे, उसमें से 35% रिजर्व हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर, और 10% एम्प्लॉयज़ के लिए जो 10% डिस्काउंट पर दिए जाएंगे। 1,229 रुपये का प्राइस रखा है, 1,229 से 1,230 का, और
पी रेशियो जो प्राइस अर्निंग रेशियो है एज ऑन डेट वो 34.61 है, जैसा कि हमने 35 रुपये देखा तो उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1229 के आसपास आएगा। 2242 करोड़ रुपये कंपनी जनरेट कर लेगी यहाँ से अपने इक्विटी सेगमेंट में, और उस पैसे का यूटिलाइज वो NSE को पेमेंट करके और अदर चीज़ों को थ्रू एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेगी। बुक वैल्यू कंपनी की 108 रुपये, तो लगभग 12 टाइम्स ये अपना प्रीमियम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। लगभग मैं कहूँगा 1100 रुपये के प्रीमियम पर आपको ये शेयर मिल रहा है अभी बुक वैल्यू के, तो काफ़ी बड़ा प्रीमियम है, ह्यूज प्रीमियम है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें कि ज़्यादा बड़ा साइज आप ना लें, कॉशियसली मूव करें। और अगर कंक्लूजन की बात करें तो जो मेरे को यहाँ पर कंक्लूजन लगा, अगर 5 आउट टोटल अगर हम रेटिंग दें 3.5 स्टार के आसपास नज़र आती है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा पैसा नहीं लेकिन इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, कॉशियस मूव लेकर चलें। एक तरीके से मेरा अपना यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि आप कॉशियस मूव लें, ज़्यादा बुलिश ना हो। लिस्टिंग गेन मिल सकता है आपको 100-200 रुपये का, ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि अगर बुल मार्केट रही तो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक लॉट लेने में कोई इशू नहीं है कि एक लॉट आप आराम से इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मिल जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी और या फिर आप लिस्टिंग गेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मनी को, अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है। आज हमने 2 सेगमेंट्स को सीखा, IPO कैसे हमें रीड करना है, जब कोई कंपनी नया IPO लेके आती है तो उसको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, और दूसरा मैंने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाया कैंप्स वाले जो IPO मंडे को आने वाला है। तो मेरी तरफ से इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और ऐसे ही टॉपिक पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।